गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट का को हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो हमने कल एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लिया था, है ना। टुमारो यस्टरडे वी विल डिस्कस अबाउट द एंडोक्राइनोलॉजी, व्हाट इज़ एंडोक्राइनोलॉजी, व्हाट इज मैटर्स फॉर, व्हाट इज इम्पॉर्टेंसी फॉर, है ना। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना, देयर नेम्स, है ना। तो हम देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम दैट सिक्रीट देयर प्रोडक्ट्स हॉर्मोन डायरेक्टली इन टू द ब्लड। द मेजर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड द पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, थायरॉयड ग्लैंड और एड्रेनल। अब एंडोक्राइन ग्लैंड का अगर हम डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ ये इसका आप समझ सकते हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये क्या हो गया आपका एंडोक्राइन ग्लैंड का डेफिनेशन। हम कह सकते हैं कि क्या होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या करती है, सिक्रीशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स दैट इज हॉर्मोन। व्हाट इज दैट इज हॉर्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड। यानी कि ये एक डकलेस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या होता है, एक डकलेस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, या डकलेस हम बोल सकते हैं जिनको, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डकलेस ग्लैंड्स ऑफ द, हम यहाँ लिख सकते हैं ग्लैंड्स आर डकलेस ग्लैंड्स, है ना। यहाँ ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि इनको किसी भी तरह के कैरियर की ज़रूरत नहीं होती। इसमें मेजर ग्लैंड कौन कौन सी आ जाती है, आपकी पाइनियल, पिट्यूटरी, पैनक्रियास, ओवरीज, टेस्टिस, थायरॉयड और आपका एड्रेनल। हमने कल थोड़ा सा ये प्रीवियस लेक्चर का हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है कि आपका एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, है ना। अब थोड़ा सा हमने जो ग्लैंड्स कल देखी थी कितनी टाइप की ग्लैंड्स होती है, उससे पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये दो टाइप में आपके हो जाता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। फर्स्ट आपका हो जाता है नर्व सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, और आपका फिर दूसरा आ जाता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, है ना, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम। तो जो आपका एंडोक्राइन होता है सिस्टम दैट सिक्रीट व्हाट, इट सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, या हार्मोन सिक्रीशन भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो हार्मोन सिक्रीशन। ठीक है। और आपका जो एक्सोक्राइन होता है वो क्या करता है, एंजाइम सिक्रीशन, ठीक है। ये होते हैं डकलेस, ये होते हैं बाय द डक्ट, या हम लिख सकते हैं बाय डक्ट टू
by duct to targeted organ. ठीक है, बाय डक्ट टू टारगेटेड ऑर्गन. तो आपका जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, उसमें हम सीधा सीधा इनके बाद लिख सकते हैं. हमने कल 10 टाइप के ग्लैंड्स का नाम लिखे थे, पढ़े थे कि आपके हाइपोथैलेमस कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं. हमारे लिए अभी मैटर करता है सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम. तो हमने जब एंडोक्राइन सिस्टम के नाम पढ़े थे कि इसमें कितने ऑर्गन्स होते हैं, या सॉरी कितनी ग्लैंड्स होती हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना. उन 10 नाम में से जो सबसे पहले अपने 3 नाम थे, आपका कौन कौन सा थे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पाइनियल, ये आपके ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, इनका रीजन क्या होता है, ब्रेन होता है. हम कल बात कर रहे थे हाइपोथैलेमस की, हाइपोथैलेमस. इन शॉर्ट हाइपोथैलेमस क्या होता है, एक मिड ब्रेन पार्ट होता है. मिड ब्रेन पार्ट मतलब ब्रेन के बीच का हिस्सा आपके, इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे शरीर में जो आपके शरीर, आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में, यानी कि एक रफली डायग्राम में बताती हूँ. जैसे मान लो सपोज ये आपका ब्रेन हो गया, ठीक है. तो इस ब्रेन में यहाँ पर पे ऐसे करके एक हिस्सा होता है, ये आपका हाइपोथैलेमस हो जाता है. हम इसका एक प्रॉपर फिगर डायग्राम देखेंगे, ये पाइनियल हो जाता है और ये आपका पिट्यूटरी हो जाता है, ठीक है. जब हाइपोथैलेमस की हम बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक तरह से न्यूरो हार्मोन सिक्रेशन का काम होता है इसका, न्यूरो हार्मोन हम कह सकते हैं, न्यूरो हार्मोन का, है ना. न्यूरो हार्मोन, ठीक है. अब आपका हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है कि ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, इट रेगुलेट थर्स्ट, हंगर, थर्स्ट हंगर डिहाइड्रेशन, या हम इसको और भी तरीके से बोल सकते हैं, है ना. इसके अलावा इट इज कंट्रोल, या इट कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, इट कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड. यानी आपका हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. इट्स रेगुलेट आपका भूख प्यास, आपके शरीर में होने वाले कमियों को, या डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं उसको, है ना. और क्या कंट्रोल करता है ये, और कंट्रोल करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को. या अगर आप ये बोलना चाहो कि आपका जो हाइपोथैलेमस होता है मिड ब्रेन में होता है, वैसे तो मास्टर ग्लैंड जो बोला जाता है वो बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये मास्टर ग्लैंड होती है. लेकिन पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड होने किस वजह से बोली जाती है, क्योंकि पिट्यूटरी क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे मेज अमाउंट क्वांटिटी
बोली जाए तो मोस्ट क्वांटिटी ऑफ हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, आपका जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, उन सभी हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है। उन सभी हॉर्मोन का सिक्रेशन कब होगा, कब उनको रुकना है, कब उनको चलना है, इट सिंपली डिपेंड्स ऑन हाइपोथैलेमस। अगर आप दूसरे लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस दो टाइप से काम करता है। आप एक बोल सकते हैं स्टिमुलेशन, दूसरा आप बोल सकते हैं इनहिबिटेशन। स्टिमुलेशन के अंदर आपका आ जाता है सिक्रीशन और सिंथेसिस। सिक्रीशन और सिंथेसिस इज डिफरेंट थिंग। इनहिबिशन मीनिंग स्टॉप, सिंपली मीनिंग इनहिबिशन मतलब कि स्टॉप, ठीक है, किसी चीज़ को इनहिबिट करना मतलब कि उस चीज़ को रोक देना, ठीक है। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, स्टिमुलेशन। जब स्टिमुलेशन का काम करता है तो स्टिमुलेशन में क्या होता है, दो टाइप के काम करेगा वो, आइदर सिक्रीशन और सिंथेसिस। सिक्रीशन मतलब कि किसी भी चीज़ का फ्लो आउट करना यानी कि उसको रिलीज करना। सिक्रीशन मीनिंग रिलीज समथिंग या रिलीजिंग द प्रोडक्ट द हॉर्मोन, और सिंथेसिस मतलब कि मेकिंग या सिंथेसाइज होना यानी कि हॉर्मोन का बनना, है ना। तो आप इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। सिक्रीशन मतलब कि वो पर्टिकुलर हॉर्मोन दैट ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड दैट वी वांट टू रिलीज इन आवर ब्लड स्ट्रीम्स, करेक्ट। बट एज वेल एज सिंथेसिस मीनिंग हॉर्मोन, सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं कि मेड अप ऑफ हॉर्मोन्स, है ना, उस टाइम पे हॉर्मोन्स का बनना, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, सिंथेसिस। तो यहाँ पर क्या बात करते हैं, जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस इसी वजह से कंट्रोल करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होते हैं, मेजरली ग्रोथ हार्मोन। एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे हम, या फ्लो चार्ट कह लो, या एक अच्छा सा डायग्रामेटिकली हम एक फ्लो पूरा मतलब एक टेबल बना लेंगे जिसके अंदर हम सभी ग्लैंड्स उनके किस किस पार्ट में आपका कौन कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है वो हम अच्छे से लिखेंगे। तो आप अगर सिंपली फॉर्म में देखते हैं तो आपका जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, है ना, तो आपका पिट्यूटरी में कितने सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, टेबल कहाँ गई है, देखो पिट्यूटरी में तीन पार्ट में पिट्यूटरी को डिवाइड किया जाता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में। आपका पिट्यूटरी क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी और आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ओके। तो
तो आपके एंटीरियर वाले पार्ट में आपके ग्रोथ हॉर्मोन्स आ जाते हैं, आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन आ जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन आ जाता है ना। और आपके पोस्टीरियर वाले पार्ट में कौन से हॉर्मोन आ जाते हैं, ऑक्सीटोसिन आ जाता है और ADH आ जाता है, एंटी डायुरेटिक हॉर्मोन्स आ जाते हैं जिसको हम वैसोपरेशन बोलते हैं, है ना। और इंटरमीडिएटेड लोम में कौन कौन से आते हैं वो हम देखेंगे, है ना। तो हमारे एंटीरियर वाला हम इनका एक लिख लेते हैं कि कौन से वाले में कौन कौन से हॉर्मोन आते हैं एंटीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से हार्मोन आएंगे, ग्रोथ हार्मोन आपका आ जाएगा TSH, हम जिसको हम लिखते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपका FSH उसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपका थर्ड आ जाता है LH जो कि आपका है ल्यूटीजिंग या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हम इनके बारे में फिर डिटेलिंग में पढ़ेंगे इसको। इसके साथ साथ में आपका एक और आता है ISH, ICSH जिसका फुल फॉर्म है इंटरस्टेस्टियल इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फिर हमारे आ जाता है एक और जिसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन, ये ऑप्शनल होता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। हमारे जो एंटीरियर वाले पार्ट में पांच टाइप के आपके हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, कौन सा, ग्रोथ हार्मोन आपका TSH FSH LH ICSH, है ना। अब देखो आपका पिट्यूटरी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन होता है, सबको पता है ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होता है, हमारे शरीर में ग्रोथ फैक्टर्स को देखना, है ना, जैसे कि कितना हाइट होना चाहिए, है ना, कितना हाइट नहीं होना चाहिए। तो ये ग्रोथ हार्मोन डिसाइड करते हैं कि कब किस एज में कितनी हाइट बढ़नी चाहिए या कितना ऑर्गन्स की हाइट कितना बढ़ना चाहिए, मतलब ओवरऑल मिलाकर के ग्रोथ हार्मोन्स का काम क्या होता है, ग्रोथ करवाना होता है ना। TSH और FSH क्या करते हैं, ये हार्मोन FSH और LH ये दोनों काम करते हैं आपके रिप्रोडक्शन साइकिल में, आपके फीमेल रिप्रोडक्शन साइकिल के टाइम पर ये दोनों फंक्शन करते हैं। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करता है आपके थायराइड वाले में, है ना, ठीक है। और आपका ये इंटरस्टिशियल मतलब कि यह आपका काम करता है जहाँ पर कि आपके इंटेस्टाइनल जो सेल्स होते हैं ना, वहाँ ये हार्मोन काम करता है। फिर आपका आ जाता है पोस्टीरियर वाला पिट्यूटरी ग्लैंड, हम इनके एक एक काम भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम अभी थोड़ा सा देखते हैं पोस्टीरियर ग्लैंड्स के हार्मोन के नाम।
posterior pituitary gland, या हम कह सकते हैं pituitary. इसके अंदर आपका आ जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब कि ये वेस्पोरेशन के काम आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ये स्पेशली किडनी में फंक्शन करता है, है ना. और ऑक्सीटोसिन का पता ही है, ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट मिल्क के टाइम पर काम करता है, ठीक है. तो हमारा पिट्यूटरी के अंदर एंटीरियर वाला पार्ट और जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है, उन दोनों पार्ट में, है ना, हमारे एंटीरियर वाले पार्ट और पोस्टीरियर वाले पार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स होते हैं. एंटीरियर वाला पार्ट फंक्शन अलग करता है, पोस्टीरियर वाला पार्ट अलग से फंक्शन करता है. अब हम इसके आगे देखेंगे कि एंटीरियर वाले पार्ट में होने वाले प्रेजेंट जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनका फंक्शन देखेंगे, और पोस्टीरियर वाले पार्ट में जो हॉर्मोन्स हैं उनका फंक्शन देखेंगे, ठीक है.